और सर ये इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि यहाँ पे हर प्रदेश से एक स्टॉल लगे हैं, वहाँ का जो हैंडलूम आइटम्स हैं जो लोगों ने अपने हाथों से बनाए हैं वो कारीगरी यहाँ पे सबको देखने मिल रही है, आंध्र प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से और कर्नाटका एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब ई स्टेट ऑफ इंडिया, तो आप हर स्टेट की कारीगरी यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ से आज चीज स्टार्ट हो रहा है, 3rd जून ये चलने वाला है। तो आप लोग आएँ, विजिट करें और देखें यहाँ की कारीगरी कितनी अच्छी है। यहाँ पे आपको पेंटिंग्स भी मिलेंगी, हैंडलूम्स मटीरियल, साड़ीज, कुर्तीज एंड लहंगा, ब्लाउज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद आपको कहीं और भी मिलेंगी। और इनका जो मोटिव है ये बहुत ही अच्छा है कि जो कारीगरी करते हैं, जो बेसिकली कारीगर होते हैं, वो जब अपनी चीज़ बनाते हैं और जब तक वो लोगों तक पहुँचती है तो उसमें बहुत सारे मीडिएटर्स आ जाते हैं और तो उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है कि जिसकी जो वैल्यू है उसे मिल पाए, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब जिसने जो मेहनत की है उसका क्रेडिट उसे मिलेगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड कंग्रेचुलेशन फॉर दिस एग्जीबिशन। मैं चाहूँगी, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप कहीं सफल रहे, ऐसे आप ऐसे इनिशिएटिव लेते रहिए और हमारे जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाते रहिए। आगे सर, यू इंट्रोडक्शन, कोरोना आया था तब से लोग और पीछे चला गया था, वो लोग को थोड़ा ऊपर लेके आएंगे बोल के हमारा सिस्टर ने श्रीला का बोल के वो थोड़ा सोशल का देखते रहते हैं, वो सोशलिस्ट है, उनका सोच था ऐसा करना है एग्जीबिशन को थोड़ा आगे, ये लोग को थोड़ा आगे बढ़ाना है बोल के, वो उद्देश्य हम लोग एग्जीबिशन हम लोग चालू किया है इस साल से। ये 5th एग्जीबिशन है हमारा पूरा, ये बॉम्बे में पहली बार आया है। सो वो लोग को कुछ ना कुछ छोटा सा प्लेटफॉर्म दे देंगे, ये सबको हम लोग ढूंढ के लेके आए हैं, किधर किधर थोड़ा दिक्कत में है लोग, वीवर्स मेनली, वीवर्स एंड क्राफ्ट वाला जो है, तो वो लोग को हम लोग थोड़ा बहुत मदद करेंगे बोल के हम लोग इधर लेके आए हैं वो लोग को। सो लेके आके हम लोग इधर डिस्प्ले करके उनको थोड़ा मदद कर रहे हैं, आजकल चल रहे हैं फिलहाल। बट रुचि जी है सेलिब्रिटी गेस्ट आए हैं तो वो बहुत अच्छा है, मैडम बुलाने से तो मना नहीं किया है, आराम से आ गया। वेरी वेरी थैंक यू मैम फॉर कमिंग हियर। सो आज हमारा एग्जीबिशन के अंदर पूरा 7 स्टॉल है सर, पूरा मिला के 15 स्टेट्स है, लाइक आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, वैसा बहुत सारा स्टेट्स का, पूरा 16 स्टेट का वेराइटी सब लोग इधर डिस्प्ले के अंदर है। मेरा निवेदन है कि सभी मुंबई वासियों से प्लीज कम एंड एंजॉय द शॉपिंग एंड थोड़ा सा सपोर्ट उनको दे दीजिए। रुचि जी का है, अभी तो फिलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं करूंगी। रिसेंटली एक हॉरर फिल्म मैंने शूट किया जिसका नाम है शापर सिंह, तो देखते हैं कब तक रिलीज होगी, जल्दी ही नेटफ्लिक्स का अनाउंसमेंट भी करूंगी। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, आपने बहुत प्यार दिया मेरी मूवी को, आगे भी यही सपोर्ट की आशा रखती हूँ। थैंक यू सो मच। Basically, they are promoting Indian culture and it's a very nice. This is their first exhibition or बहुत अच्छा event इन्होंने यहाँ पे execute किया है, World Trade Center में event हो रहा है, first time इन्होंने किया है और Indian culture को काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे world से और पूरे India से काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, तो काफ़ी सारे designers ने इस शो में participate किया and बहुत ही अच्छा exhibition है। रुचि जी का थैंक यू कहना चाहूँगा, इस इवेंट में ये यहाँ पे आए और इनका प्रेजेंस दिया है, सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, इनके हाथ से आज यहाँ पे ओपनिंग हुआ इंडियन कल्चर, और स्पेशली आज वो इंडियन कल्चर में डिज़ाइन करके आए हुए एंड काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ द मीडिया फॉर कमिंग एंड कवरिंग दिस ब्यूटीफुल इवेंट। थैंक यू। What you address? I mean, basically, how important is to support this kind of community who are, you know, underprivileged or lack of. I think, you know, it feels really good, and you know, taking that privilege and helping them out for everything. So you know, just the small help would make their lives better, maybe. Talking about your professional front, you have worked in some projects. The project you want to tell something about that. The project you are going to watch tonight, something about it. So I have done 3 album songs and I did one card as well. So you guys would be seeing me in soon in some music videos and some web series. And my latest song is Sidharu Mein Agar. It was like for Nicole Productions. And please, guys, do support and share as much as you can. And what would you say? What part of this event? About this event, I will just say the
this is an amazing initiative because we can see there are so many weavers came here across the India from each and every corner. And main thing is this, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनका इनिशिएटिव है, मतलब एक कारीगर जो होता है उसे उसका क्रेडिट मिलता नहीं जो उसे मिलना चाहिए. मतलब जो बिचौलिए होते हैं, जो हम मीडिएटर्स कहते हैं, जो व्यवस्था करते हैं, उनका सारा क्रेडिट दे जाते हैं, जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए वास्तव में वो नहीं मिल पाता. सो इट्स अ वेरी गुड एंड ग्रेट इनिशिएटिव और इसे इंस्पायर होकर और भी लोगों को ऐसे एक्सपेक्शंस करने चाहिए ताकि ऐसे लोगों को मोटिवेशन मिले, प्रमोशन मिले और फाइनेंशियली वो लोग बहुत स्ट्रांग हो सके और हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को प्रमोशन मिल सके. और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ द अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए. मतलब इतना अच्छा टैलेंट, इतना अच्छा आर्ट ज़रूरी है कि इसे हम पूरे और ग्लोब इसे प्रमोट करें.